हेलो एवरीवन, कैन यू गाइस हियर मी? यस सर। ओके, सो डाउट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर वन, सर पहला वाला टू, पहला सर पहला वाला वाला क्या बोल रखा है? कहा है आपसे कि जो आपका फोर्स है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, ये आपको बता दिया गया है। और आपसे कहा गया है कि इसकी वेलोसिटी जो है जीरो है एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। इट्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बी, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, अब देखो, फोर्स अगर इतना है तो मैं एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास दैट इज इक्वल टू बी बाय एम इंटू ई टू पावर माइनस सी टी। ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? यस तो हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता कितना, डीवी बाई डी टी होता है, डीवी बाय डी टी होता है, दैट इज इक्वल टू बी बाय एम। तो कांस्टेंट है, बाहर अलग आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी कुछ नहीं करना, वो आगे जाके होगा। ई टू माइनस सी टी, दिस इंप्लाइज डी वी इज इक्वल टू बी बाय एम इंटू ई टू पावर माइनस सी टी डी टी। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कोई ओके दिक्कत? सर, टी नो सर। इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, टाइम टी पर वेलोसिटी वी हमें निकालनी है। तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी वी इज इक्वल टू बी बाय एम, तो कांस्टेंट बाहर ही रह गया। ई टू आर माइनस सी टी का इंटीग्रेशन सी टाइम सी टू आर माइनस सी टी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, सर इंटीग्रेशन है ना, क्या हो जाएगा, वन अपॉन माइनस सी इंटू ई टू पावर माइनस सी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक। सो वी कैन से दिस इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू माइनस बी बाय एम सी इंटू ई टू पावर माइनस सी टी माइनस ई टू पावर जीरो दैट इज वन। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी वी इज इक्वल टू बी बाय एम सी इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस सी टी। माइनस साइन को अंदर लेके चले गए हम लोग। ठीक है, अब टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ये समझिए। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होगा, कुछ केसेस में टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है जब आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी नहीं इंक्रीज हो, मतलब ऐसा सीन बने कि जो वेलोसिटी है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, उसके बाद वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाए, तो उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। कैसे चेक करेंगे उस वेलोसिटी को, वो वेलोसिटी टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी की वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, सो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। सो इसकी वैल्यू, इसका मतलब हो जाएगा वी टर्मिनल इज इक्वल टू बी बाय एम सी इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी। ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब वन अपॉन ई टू पावर इन्फिनिटी मतलब जीरो। सो सिंपली वन माइनस जीरो दैट इज बी बाय एम सी। समझ में आई बात? तो बी बाय एम सी आपका आंसर है, यस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन टू में डाउट, टू यस सर। में भी डाउट है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनरली एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सच दैट इट्स वेलोसिटी वी चेंजेस विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वी इज इक्वल टू इतना। ठीक है, वेयर टी इज इन सेकंड्स एंड वी इज इन मीटर पर सेकंड, द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स इज। देखो भैया, आपको दे सेकेंड रखा ऑप्शन है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, कोई दिक्कत? और बोला है कितने टाइम इंटरवल के लिए पार्टिकल जो है वो रिटार्ड करता है। अब देखो, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, हाँ या ना? यस सर। नहीं, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू
वेलोसिटी क्या है, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे ना, तो वेलोसिटी कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी, ठीक है, वेलोसिटी कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी, इसलिए ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपका आपका जो मोशन है वो रिटार्डेड है। ऐसा केस हो सकता है कि जब वेलोसिटी भी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो, उस वक्त क्या हो जाएगा, फिर से आपका मोशन एक्सेलरेटेड होगा, रिटार्डेड नहीं होगा। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, मतलब कि इसको मैं अगर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी इज नेगेटिव, हाँ ना। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है बेटा बोल दो। यस सर। ओके, तो मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालूंगा, एक्सेलरेशन मेरा आएगा 2t-1, मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, या तो मैं मल्टीप्लाई करके क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करूँ, जो मैं करूँगा नहीं, वैसे कर सकते हो, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों ने शायद मैथ्स में पढ़ रखा हो सकता ना भी पढ़ा हो, इसलिए मैं मैथ्स वाला तरीका यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं प्रॉपर एनालिसिस वाला तरीका बताऊंगा। एक्सेलेशन इक्वल टू t-1 है और वी इक्वल टू t²-t है। तो मैंने सबसे पहले वो क्रिटिकल टाइम्स देख लिए, क्रिटिकल टाइम्स का मतलब क्या क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए, क्रिटिकल टाइम्स का मतलब हो गया वो टाइम्स जहां पर किसी चीज का साइन चेंज हो सकता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो क्रिटिकल टाइम्स हो गया मेरा एक तो टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक क्रिटिकल टाइम मेरा हो गया टी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा हो गया वो टाइम व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो हो और वो टाइम जब एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो हो। तो वेलोसिटी कब कब जीरो होगी, अगर मैं इसको जीरो करूंगा तो मेरे पास आएगा टी इज इक्वल टू जीरो कॉमा टी इज इक्वल टू वन, है ना, ये दो टाइम ऐसे हैं जब वेलोसिटी जीरो है। और अगर मैं बोलूं कि एक्सेलेशन जीरो, तो एक्सेलेशन के लिए क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो मेरे पास क्रिटिकल टाइम, ये दोनों क्रिटिकल टाइम तो सेम ही हो गए, मैं क्रिटिकल टाइम्स को मार्क कर लेता हूं, टाइम वेलोसिटी एक्सेलरेशन, टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू 1/2, टी इज इक्वल टू वन, ये मेरे क्रिटिकल टाइम्स हैं। तो मैंने बोला जीरो से लेकर, मैं गलत कर गया सॉरी, मैं टाइम इंटरवल कंसिडर करूंगा जीरो से लेकर 1/2 सेकंड तक, 1/2 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक और ग्रेटर देन 1 सेकंड वाला, इन तीनों टाइम्स पे मैं वेलोसिटी का साइन निकालूंगा, एक्सेलरेशन का साइन निकालूंगा और देखूंगा कि कब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो जीरो से लेकर हाफ के बीच में अगर मैं यहां देखूं तो टी स्क्वायर टी से छोटा होगा, हाँ ना, क्वांटिटी वन से अगर छोटी है तो टी स्क्वायर टी से छोटा होगा, है ना। सो यहां पर आपका छोटी क्वांटिटी माइनस बड़ी क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, हाफ से लेके वन तक भी वेलोसिटी नेगेटिव ही रहेगी क्योंकि अभी भी टी स्क्वायर माइनस टी है, टी क्योंकि टी वन से छोटा है उसका स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा, और टी ग्रेटर देन वन पे वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। वहीं अगर एक्सेलेशन के बारे में बात करें तो एक्सेलेशन टी इज इक्वल टू जीरो पे तो नेगेटिव, मतलब जीरो से लेके हाफ के बीच में तो नेगेटिव रहेगा, टी इज इक्वल टू हाफ पे जीरो हो जाएगा और उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा टाइम है जब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है, दैट इज दिस टाइम इंटरवल, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, मोशन इज रिटार्डेड बिटवीन टी इज इक्वल टू हाफ एंड टी इज इक्वल टू वन, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको, आपके दिमाग में, कि रिटार्डेशन किसको कहते हैं, अगर आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, ठीक है बेटा, यस सर, समझ गए। यस समझ गए। थ्री सर। फोर थ्री फाइव
सिक्स, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है क्या, दोबारा आ गया क्या? सर पिछले टेस्ट में भी था। सेवन, सर 7 का ऑप्शन डी कैसे होगा? लेट वी एंड ए डिनोट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रेस्पेक्टिवली ऑफ अ बॉडी, ए कैन बी नॉन जीरो व्हेन वी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, मिला है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और वी से, और बोल रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। बोल रहा है ए कैन बी नॉन जीरो व्हेन वी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा तो होता ही है, अगर किसी पार्टिकल को मैं ऊपर फेंक दूं टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ए मस्ट बी जीरो व्हेन वी इज इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली गलत हो गया, अगर ऑप्शन वन करेक्ट है तो बी डेफिनेटली गलत है। ए मे बी जीरो व्हेन वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है अगर मोशन जो यूनिफॉर्म हो, है ना। यस सर, यस सर, द डायरेक्शन ऑफ ए मस्ट हैव सेम कोरिलेशन विद वेलोसिटी विद द डायरेक्शन ऑफ वी, सम कोरिलेशन, बिल्कुल गलत बात है, कोई कोरिलेशन होने की जरूरत नहीं है, जिधर मर्जी हो सकता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन, आपस में कोई रिश्ता नाता उनके होने की बीच कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन कौन से हैं, ए एंड सी, मल्टीपल करेक्ट था क्या? यस यस सर, ओके आगे बढ़े। यस सर, अ बीर इज फ्री टू स्लाइड डाउन अ स्मूथ वायर टाइटली स्ट्रेस्ड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर, इफ द थ्रेड, इफ द बीड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल, इट्स वेलोसिटी वी ऑन अराइविंग बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, इट्स वेलोसिटी वी ऑन अराइविंग बी इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, टाइम अराइविंग टू बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, टाइम टू अराइव बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखो बट इसका आंसर डी तो मुझे पता याद है, क्यों, क्योंकि अच्छा सा रिजल्ट आता है तो याद हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। इसको समझने के लिए मैं काम करता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब बी इस लाइन के लॉन्ग इंक्लाइन कर रहा है, हमें मानना है कि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, तो इधर कितना लगेगा, एम जी कॉस थीटा, है ना, एम जी नीचे, इधर कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला एंगल है ना ये, यस सर, तो इसका एक्सेलेशन कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा। दूसरी बात, ये क्या है आपका, डायमीटर है ना, इसलिए अगर मैं पॉइंट बी को इस डायमीटर के दूसरे एंड से, लेट से इस पॉइंट का नाम मैं सी दे देता हूँ, अगर मैं बी को सी से जोड़ दूं तो क्या मैं कह सकता हूँ ये राइट एंगल होगा, हाँ या ना, वे हाँ या ना। यस सर, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर ये आर है, ये आर क्यों ले, इसको या तो डी लिख देता हूँ या टू आर लिख देता हूँ, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, मैं इसको डी लिख देता हूँ, ठीक है, ये डी है तो ये कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, हाँ या ना। तो अब मैं इस पार्टिकल के मोशन के लिए क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी डी कॉस थीटा, है ना, मेरे को फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है और मेरे से टाइम पूछा गया है, ठीक है, मैं दोनों के लिए सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो टाइम निकालूंगा तो कर टाइम सकते हो। टाइम जो है थीटा पे से इंडिपेंडेंट आ जाएगा, आप चेक तो करके देख लो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, टाइम जो है वो थीटा से इंडिपेंडेंट आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात, अच्छा तो कर लेते हैं, टाइम क्या हो रहा है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन है जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, कॉस थीटा ने कॉस थीटा मार दिया, टाइम आ गया अंडर रूट ऑफ 2d / g, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर, अगर मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दूंगा तो मेरा आ जाएगा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट।
यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? बेसिकली आपको सर्कल की छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करनी थी, और कुछ नहीं करना था, है ना? लेकिन सर वो प्रॉपर्टी तो मैथ्स में यूज करते हैं सर, फिजिक्स में थोड़ा ना यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, सर टेन, 11, 12, सर टेन, सर 13, इलेवन। 11। अ पार्टिकल मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी अलॉन्ग अ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई इन द सेम ऑर्डर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इन मोशन फ्रॉम ए टू। अच्छा देखो भैया, जनरली यही है छोटा छोटा क्वेश्चन में। देख लो, बोल रहा है कि आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, तो एक बार रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं। कहाँ गया हेक्सागन? ये रहा आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है। इस हेक्सागन की कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं। ये अपने पास एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है? इस रेगुलर हेक्सागन में हमें नाम दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, तो हम भी नाम दे देते हैं इसका। लेट से ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है? अब कहा है कि अगर कोई पार्टिकल ए से मूव करना शुरू करता है, सो लेट्स मेक अ पार्टिकल जो कि ए से मूव करे विथ कॉन्स्टेंट स्पीड वी, स्पीड इसकी कॉन्स्टेंट है और इसी पाथ के लॉन्ग मूव करता है। इस तरह स्पीड वी से पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे। तो बोला है कि इसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो अलग अलग पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या होगी, मतलब ए से लेकर एफ तक में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए भैया, साइड लेंथ मान लेते हैं एल 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 और एल, तो ए से एफ तक की वेलोसिटी कितनी होगी? टाइम कितना लगेगा? पार्ट क्वेश्चन ए कर रहा हूँ, टाइम कितना लगेगा? एल बाई वी प्लस एल बाई वी प्लस एल बाई वी प्लस एल बाई वी प्लस एल बाई वी, मतलब कि 5 L/V। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से एफ तक एल ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, हाँ है ना? यस सर। डी तक का देखते हैं, ए से लेकर, और अगर ऑप्शन बी क्लिक करता हूँ तो टाइम कितना लगेगा? तीन साइड ट्रेवल का, 1 2 3, तो 3 L/V। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये पूरा दैट इज 2L, है ना? हाँ है ना, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यस तो सर। ये L तो ये भी L, ये L तो ये भी L, टोटल कितना हो गया? 2L। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आ जाएगा 2V/3 आएगा, इसने V/3 दे रखा है ना? ऑप्शन सी देखते हैं, सी में क्या होगा? ए टू सी इज √3V/2। देखते हैं, ए से लेकर सी तक का पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत है, थोड़ी मेहनत, ज़्यादा मेहनत नहीं है। ये एल है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो एल कॉस 30 डिग्री, एल कॉस 30 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 12 cos 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू L/3। टाइम कितना लगा? 2L/V। तो क्या आंसर आ जाएगा? मेरे ख्याल से सही आ रहा है, √3/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ए से बी के लिए तो वी होगा ही होगा, उसमें क्या दिमाग लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी आर करेक्ट। लल्लू क्वेश्चन था बेटा, लल्लू था ना? 12, सर नंबर 10। पीछे चलो आप, आगे मत चलो। अ ब्लॉक इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 m/s रिलेटिव टू ग्राउंड ऑन अ बेल्ट विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी 4 m/s इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है? इफ द ब्लॉक स्टॉप स्लाइडिंग ऑन द बेल्ट आफ्टर 4 seconds ऑफ थ्रोइंग, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डिस्प्लेसमेंट विद रिलेटिव टू ग्राउंड इज 0 आफ्टर,
देखो भैया, आपके पास एक बेल्ट है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं डायग्राम को, नहीं तो समझ में कम आएगा। आपके पास ये एक बेल्ट है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी फोर मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ, और इस ब्लॉक को इस पर हमने उल्टी तरफ वेलोसिटी दे दी गई है 2 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ग्राउंड ऑन अ बेल्ट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले ब्लॉक बना देते हैं एक, ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, इसको हमने दे दी है वेलोसिटी उल्टी तरफ, टू मीटर पर सेकंड की, ठीक है, और बोला है कि 4 सेकंड के बाद ये ब्लॉक बेल्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। हम अब इसको, इसके अलग अलग ऑप्शन हमें सॉल्व करने हैं। बेल्ट जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये ब्लॉक जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। रेस्ट पे क्यों आया, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ है ना। तो बोला गया है कि 4 सेकंड के बाद ब्लॉक जो है इस बेल्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाता है, मतलब इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है ना। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखूं, मैंने आगे की तरफ प्लस ले रखा है, पीछे की तरफ माइनस ले रखा है, तो मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू -2, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू +4, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। एक्सेलेशन निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एक्सेलेशन आ गया 1.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, सब लोग सॉल्व कर लोगे इसको आराम से, है ना। तो बोला है ऑप्शन नंबर ए में डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 आफ्टर 2.66 सेकंड्स। देखते हैं भैया, हमने बोला वेलोसिटी को इसकी 0 करनी है, देखते हैं कब 0 होगी। अच्छा और की भी पूछ लेते हैं, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड इज 4 सेकंड, इतना अच्छा। देखो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए दोनों में ही वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 की बात की गई, इसलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 के लिए मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा अगर वी इज इक्वल टू 0 है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू -2 है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू +1.5 है, वी इज इक्वल टू 0 है, टाइम मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो फटाफट टाइम कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करिए, टाइम कितना आया, बोलिए। वी इज इक्वल टू यू कह सर टू सकते, पॉइंट सिक्स सिक्स हाँ 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 1.5 t, दिस इंप्लाइज टाइम t इज इक्वल टू कितना आया, हम 4/3 4/3 आ रहा है ना, मतलब कि आपका ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। अच्छा सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को 0 करवा रहे थे, वेलोसिटी को 0 नहीं करवा रहे, मैं गलती कर दिया। ये बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट 0 होने के बाद, ठीक है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू -2 t +1/2 इंटू एक्सेलेशन इज 3/2 इंटू टी स्क्वायर, एक टी तो 0 हो गया, दूसरा टी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 8/3 सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो गया और इसका फर्स्ट वाला पार्ट भी करेक्ट हो गया, ठीक है। सो
समझ में आई बात? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद ग्राउंड इज 12 मीटर आफ्टर 4 सेकंड. मतलब आप बोल रहे हैं कि टी इज इक्वल टू 4 सेकंड डाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताओ, है ना? तो क्या करेंगे, फिर से वही इक्वेशन लगाएंगे. एस इज इक्वल टू माइनस टू इंटू फोर यू टी प्लस हाफ ए 3/2 इंटू टी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर. सो एक 4 तो कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर्स. तो ये आंसर इनकरेक्ट है ना, 4 मीटर आ रहा है, 12 मीटर नहीं आ रहा है. 4 सेकंड में 12 मीटर कहाँ से आएगा, होगा नहीं. ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया है, डी करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो चुका है ना. अब बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इन 4 सेकंड. बेल्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4 सेकंड्स में? तो देखो भैया, 4 सेकंड में बेल्ट के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई बताएगा? सेम कहानी कर लेंगे ना, क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, इन रेफरेंस ऑफ बेल्ट क्या हो रहा है? यू इज इक्वल टू -6, एक्सेलेशन तो इसके रिस्पेक्ट में वही रहेगा, प्लस 1.5, टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना? सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? -24 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू -12 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 12 मीटर आएगा. ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा. ठीक है, तो ऑप्शन बी सी डी एंड करेक्ट, ए इज फॉल्स. अब बेटा एक क्वेश्चन समझिए इसमें, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा. आप इसी क्वेश्चन में एक काम करिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन 6 सेकंड्स. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड्स कितना होगा ये मुझे बताइए. ठीक है, वैसे ओरल है, तुरंत हो जाएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है, आगे बढ़ूँ? यस सर. 12 13 13 और 14 कोई डाउट है कॉम्प्रिहेंशन में? नहीं है. 15 और 16 में? नहीं है. 17 और 18 में? कोई डाउट नहीं है. 19 और 20 में कोई डाउट है? सर 20 में डाउट है. क्या बोला गया है? Two projectiles are thrown simultaneously in the same plane from the same point. If their velocities are v1 and v2 at angle theta 1 and theta 2 respectively from the horizontal, then answer the following questions. बोल रहा है कि if v1 is equal to v2 and theta 1 is equal to theta 1 is greater than theta 2, then choose the incorrect statement. बोला कि v1 और v2 बड़ा है, but equal है, और theta 1 theta 2 से बड़ा है. ठीक है भैया, condition पहले लिख लेते हैं हम. v1 is equal to v2 and theta 1 is greater than theta 2. Particle 2 moves under the particle 1. गलत हो जाए. हाँ बेटा. सर हम लोग को क्वेश्चन में जो था theta 1 is equal to theta 2. क्या? क्वेश्चन में theta 1 is equal to theta 2 दिया हुआ था. अच्छा ऐसा क्या? Yes sir. ठीक है फिर वो बोनस है. ठीक है, देखो बोनस में बोल तो दे रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि
यहाँ जो सिस्टम है ना आपका, उसमें ऐसा होता है कि एक बार आपने पेपर दे दिया आंसर की, हम लोग पहले सबमिट कर चुके होते हैं, बाद में हमारे पास आंसर की चेक चेंज करने का ऑप्शन नहीं है सिस्टम में। तो आपके मतलब आंसर की चेंज कर सकते हैं, बट उससे आपकी कॉपीज रीचेक नहीं होती। तो मैं बोल तो दे रहा हूँ बोनस, बट आपको मिल नहीं रहे, आपके रिकॉर्ड में नहीं आएगा वो। ठीक है, यस सर। सो V1 और V2 इक्वल है और थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, तो बताएंगे बताना इसमें से क्या सही होगा। पार्टिकल 2 मूव्स अंडर पार्टिकल 1। देखो भैया ऐसा है कि थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है और दोनों की स्पीड सेम है, मतलब कि ये जो पार्टिकल 1 है ये वाला, ये ज़्यादा एंगल में फेंका गया है, तो इसलिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों की स्पीड तो सेम है ना, तो इसकी हाइट हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, सो पार्टिकल 2 मूव्स अंडर द पार्टिकल 1 का हालांकि दो मीनिंग निकलते हैं। ये तब होता है अगर ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मैं इसका मीनिंग ये निकालूंगा, पार्टिकल 2 मूव्स अंडर द पार्टिकल 1 अगर कोई बोलता तो मेरा मीनिंग होता है कि ये दोनों हमेशा एक सेम वर्टिकल लाइन में है। ऐसा ट्रू नहीं है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, इसलिए मैं इसको इनकरेक्ट मानूंगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट है तो एकदम सही है ये। द स्लोप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। पार्टिकल 2 का स्लोप पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में हमेशा पॉजिटिव है, ये गलत है। क्यों गलत है? पार्टिकल 2 की अगर आप ट्रेजेक्ट्री निकालोगे, अच्छा ऑप्शन ये बी को ट्राई करना चाहोगे, क्योंकि मेरे पास, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार ट्राई करो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन गलत आ गया था। ऑप्शन सी चेक करते हैं तब तक। बोथ द पार्टिकल्स विल हैव द सेम रेंज इफ थीटा 1 इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, थीटा 2 इज लेस देन 45 डिग्री एंड दोनों का सम 90 डिग्री। ऑब्वियसली दोनों की स्पीड सेम है और दोनों का एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों का रेंज सेम होगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट पूछा गया है इसलिए ये आंसर नहीं है। नन ऑफ दिस बोल रहा है। द स्लोप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर सही है। ठीक है, क्या होगा समझ लीजिए। एक चीज नोट कर लीजिएगा कि मैंने शायद पहले बताया है, हो सकता है ना भी बताया, बट मेरे ख्याल से बताया होगा कि मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अदर इज अ स्ट्रेट लाइन। बताया मैंने कि नहीं बताया? बताया सर। बताया ना। क्यों? क्योंकि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अभी मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो इसमें मैं क्या देखूंगा, दैट इज इक्वल टू वी टू वाई माइनस वी वन वाई जे कैप प्लस समथिंग समथिंग आई कैप, है ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो क्योंकि वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में 2 की वेलोसिटी कम है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव जे कैप प्लस समथिंग आई कैप, है ना? लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी नेगेटिव आएगा, राइट? नेगेटिव जे कैप प्लस नेगेटिव आई कैप, नहीं सॉरी गलत बोल गया, पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो 2 की वेलोसिटी ज्यादा है ना 1 के मुकाबले, तो नेगेटिव जे कैप प्लस पॉजिटिव आई कैप, मतलब कि मोशन जो होगा 2 का 1 के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा होगा, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, नेगेटिव आई कैप प्लस पॉजिटिव जे कैप। तो स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, इसलिए सही आंसर है। ठीक है बेटा, यस सर। सर पार्टिकल 2 मूव्स अंडर पार्टिकल 1 कैसे हुआ और क्या एक बार बता दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन कैसे हुआ सर? देखो, वो अंडर नहीं मूव करेगा, हमेशा उसकी हाइट कम होगी पर अंडर नहीं करेगा। अंडर का मतलब क्या होता है? उसके जस्ट नीचे होना होना चाहिए ना। क्या होगा, पार्टिकल 1 यहाँ होगा, पार्टिकल 2 यहाँ होगा, हाइट हमेशा पार्टिकल 2 की 1 के मुकाबले कम होगी,
बट क्या वो वन के नीचे है पार्टिकल टू? नो सर, नहीं, एग्जैक्ट नीचे नहीं है। क्योंकि दोनों की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट अलग अलग है, इसलिए पार्टिकल टू वोंट बी ऑलवेज अंडर द पार्टिकल वन। ठीक है, अगर दोनों की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम होता और वाई कंपोनेंट वन का ज्यादा होता तो हम कह सकते थे कि पार्टिकल टू इज मूविंग अंडर द पार्टिकल वन। ठीक है बेटा, यस सर, समझ में आया कि नहीं आया आ गया सर। सारे क्वेश्चंस? हाँ सर, देखो बेटा एक बात बोल दूं, पेपर अभी भी इजी है, पेपर अभी भी इजी है, बट ये जो टेस्ट हो रहे हैं ना ये मोस्टली प्रैक्टिस टेस्ट है, राइट? हर 2 महीने में हम लोग एक मेजर टेस्ट लेंगे, 2 या 3 महीने में, जब से वो टेस्ट शुरू हुए तब से, 2 महीने में 2.5 महीने में मेजर टेस्ट लेंगे, वो मेजर टेस्ट असली टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, खास तौर से जेई एडवांस के लिए, खास तौर से ये सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट है, ये रोज के रोज टेस्ट हो रहे हैं ना। और नेक्स्ट टेस्ट आपका किसका होगा? अब आपका काइनेमेटिक्स का टेस्ट फाइनली बंद होगा। ठीक है, बहुत हो गया काइनेमेटिक्स का टेस्ट, कम से कम 7 से 8 टेस्ट हो गए होंगे। तो यस सर, अब हम लोग अगला टेस्ट जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का लेंगे। ठीक है बेटा, ओके सर, ओके, चलो फिर अभी के लिए क्लास ओवर है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।